गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर नाइन विच बोट गेट्स हाउ मच इन वन ट्रिप लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट ट्वेंटी के जी ऑफ फीस लॉन्ग बोट से एक ट्रिप में ट्वेंटी के जी फीस लाया जा सकता है बट अदर टाइप ऑफ बोट ब्रिंग अगर कैच एज गि इन द टेबल लेकिन दूसरे तरह के बोट से और ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती है जैसा कि टेबल में यहाँ पर दिया गया है द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ इच टाइप ऑफ बोट यहाँ इस टेबल में प्रत्येक बोट का स्पीड भी दिया गया है विच इज हाउ फार इच बोट गोज इन वन आवर स्पीड मतलब हो गया कि प्रत्येक बोट एक घंटे में कितनी दूर जा सकती है लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट टेबल को देखना है अच्छे से और फिर यहाँ ये यह जो क्वेश्चन है इनका जवाब देना है ये टेबल है जिसमें पहले कॉलम में टाइप ऑफ बोट दिया गया है दूसरे कॉलम में कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप एक ट्रिप में कितना मछली पकड़ा जा सकता है और इधर तीसरे कॉलम में स्पीड ऑफ इच बोट प्रत्येक बोट का स्पीड दिया गया है जैसे लॉग बोट लॉग बोट से एक ट्रिप में ट्वेंटी के जी फिश पकड़ा जा सकता है और लॉग बोट का स्पीड है फोर किलोमीटर पर आवर इसी तरह लॉन्ग टेल बोट है इससे एक ट्रिप में सिक्स हंड्रेड के जी फिश पकड़ा जाता है और इसका स्पीड है ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर मोटर बोट इसका इससे एक ट्रिप में 800 हंड्रेड के जी फीस पकड़ा जा सकता है और इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और एक और बोट है मशीन बोट इससे एक ट्रिप में 6000 थाउजेंड के जी फीस पकड़ा जा सकता है और इसका स्पीड है ट्वेंटी टू किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पर वही टेबल बना दिए हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट हाउ मच फीस इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन सेवन ट्रिप्स क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक तरह के बोर्ड से यहाँ पर ये जो चारों बोर्ड दिया गया इनसे सेवन ट्रिप्स के बाद टोटल कितना फिश पकड़ा जा सकता है जैसे लॉग बोर्ड से एक ट्रिप में ट्वेंटी के जी पकड़ सकते हैं तो सेवन ट्रिप्स के बाद कितना फिश पकड़ सकते हैं तो वो आइए इसको सॉल्व करते हैं तो प्रत्येक तरह के बोट का पता करना है सेवन ट्रिप के बाद कितना फीस पकड़ सकता है तो कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप बाय लॉग बोट लॉग बोट से एक ट्रिप में कितना के जी फीस पकड़ सकते हैं तो यहाँ टेबल में दिया गया ट्वेंटी के जी और सेवन ट्रिप का पता करना है तो कैच ऑफ फिश इन टेबल सेवन ट्रिप्स बाय लॉग बोट इक्वल टू कितना हो तो ट्वेंटी इन टू सेवन इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी के जी तो लॉग बोट का पता चल गया सेवन ट्रिप्स के बाद वन हंड्रेड फोर्टी के जी फीस पकड़ सकते हैं अब लॉन्ग टेल बोट का पता करते हैं कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप बाय लॉन्ग टेल बोट लॉन्ग टेल बोट से एक ट्रिप में 600 हंड्रेड के जी पकड़ सकते हैं तो वही लिखे हैं यहाँ पर 600 हंड्रेड के जी सेवन ट्रिप्स के बाद कितना फिश पकड़ सकते हैं लॉन्ग टेल बोट से तो 600 हंड्रेड इंटू सेवन इक्वल टू हो जाएगा 4200 थाउजेंड के जी उसके बाद मोटर बोट से तो एक ट्रिप में कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप बाय मोटर बोट मोटर बोट से एक ट्रिप में कितना के फिश पकड़ सकते हैं एट हंड्रेड तो सेवन ट्रिप्स के बाद मोटरबोट से कितना के जी फीस पकड़ सकते हैं तो एट हंड्रेड इंटू सेवन इक्वल टू हो जाएगा फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी और लास्ट है मशीन बोट तो मशीन बोट से एक ट्रिप में कितना के जी फीस पकड़ सकते हैं सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजेंड के जी तो वही लिख दिया यहाँ पर सिक्स थाउजेंड के जी कैच ऑफ फीस इन सेवन ट्रिप बाय मशीन बोर्ड सेवन ट्रिप्स से मशीन बोर्ड सेवन ट्रिप्स के बाद कितना के जी फीस पकड़ सकते हैं तो सिक्स थाउजेंड इंटू सेवन इक्वल टू हो जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड के जी टोटल भी पता कर लेते हैं टोटल कितना के जी फीस पकड़ सकते हैं तो लॉन्ग बोर्ड से वन हंड्रेड फोर्टी के जी लॉन्ग टेल बोर्ड से फोर थाउजेंड टू हंड्रेड के जी मोटर बोर्ड से फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी और मशीन बोर्ड से फोर्टी टू थाउजेंड के जी टोटल करेंगे तो फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी के जी आता है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है बी नंबर इसमें कह रहा है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन सिक्स आवर मोटर बोट से सिक्स आवर में कितनी दूर जा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम दिया गया है और टेबल में मोटर बोट का स्पीड दिया गया है ये टेबल है टेबल में मोटर बोट का स्पीड दिया है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पे लिख लेंगे स्पीड इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और टाइम क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है सिक्स आवर कितनी दूर जा सकते हैं तो इसका मतलब है डिस्टेंस पता करना है डिस्टेंस इक्वल टू रूल बता चुके हैं आप लोगों को स्पीड इंटू टाइम होता है तो स्पीड है ट्वेंटी और टाइम हो गया 6, तो ट्वेंटी इंटू सिक्स टू क्या हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर और थर्ड क्वेश्चन है इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल सिक्सटी किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक यदि एक लॉन्ग टेल बोट से सिक्सटी किलोमीटर दूर जाना है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो उसे उतना दूर सफर करने में तय करने में कितना समय लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना समय लगेगा तो स्पीड तो लॉन्ग टेल बोट का टेबल में दिया हुआ है लॉन्ग टेल बोट का स्पीड है ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले स्पीड ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर और कितनी दूर जाना है सिक्सटी किलोमीटर तो डिस्टेंस दिया गया है सिक्सटी किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना समय लगेगा मतलब टाइम पता करना है तो टाइम इक्वल टू रूल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस है सिक्सटी और स्पीड है ट्वेल्व तो सिक्सटी बाय जाता है ट्वेल्व से ये सिक्सटी टूएल्व फाइव या सिक्सटी तो यही हो जाएगा टाइम फाइव आवर्स सिक्सटी किलोमीटर की दूरी तय करने में फाइव आवर्स लगेंगे लॉन्ग टेल बोट्स थैंक यू